सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सौभाग्य को यदि ढूंढना है तो वह परिश्रम के साथ खड़ा नजर आएगा। बुराई को अक्सर ये भ्रम होता है कि वो अच्छाई पर जीत हासिल कर लेगी। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। मिल रहा है बहुत कुछ इस जिंदगी में, केवल गिनती उसी की कर रही हूँ जो कभी हासिल न हो सका। आज का पंचांग 10 मई 2023 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय दोपहर 12:15 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 9:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। धनुराशि 10 मई 2023 दिन बुधवार, आज आपके विचार उलझे और बिखरे हुए से हैं। आप एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आज कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान को केंद्रित रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास करें और दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और भी उलझते जाएंगे। दिन सामान्य ही व्यतीत होगा। निवेश संबंधित मामलों में सावधानी हासिल करने की कोई निर्णय लें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आपका कर्म प्रधान होना आपके भाग्य को मजबूत करेगा। समय का सही उपयोग करें, परिस्थिति पर ध्यान देने की कोशिश करें। केवल विचारों में खोए रहने की वजह से काम करना मुश्किल लगेगा। परिस्थिति बदलने की राय ना देखें, अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहें। समय जल्द ही आपके पक्ष में आएगा। फिलहाल नए काम को स्वीकार ना करें। रिलेशनशिप संबंधित गतिविधियों को समझने की कोशिश करें। अपचय की तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। यदि पैतृक संपत्ति के संबंधों में कोई मामला लंबित है तो यह आपके पक्ष में रहेगा। सावधानियां, घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखें तथा उनके मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करें। शेयर सट्टा जैसे रिस्की कार्यों से दूर रहना आपको नुकसान होने से बचाएगा। सुकून पाने के लिए कुछ समय धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थान पर जरूर व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। घर में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल भी रहेगा। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकती हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहती हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहती। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सब से आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। बात करते हैं करियर की। आज आपके सितारे आपके कार्यस्थल पर प्यार की ओर संकेत कर रहे हैं। अत्यंत सावधान रहें, एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। आप अपने साथी को गोपनीयता के कारणों को समझाने की कोशिश करें और वे आपका समर्थन करेंगे। आपका वित्त बढ़ेगा और उसमें संतुलन रहेगा। व्यवसाय संबंधित कोई भी नई गतिविधि को शुरू करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल कर लें तो ज्यादा अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आज मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखना उचित रहेगा। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहने से कार्य क्षमता बेहतर होगी। बात करते हैं सेहत की। लगातार व्यस्त रहने की वजह से सुस्ती और थकान रहेगी। कुछ समय अपने मनोनुकूल कार्यों में देने से प्रफुल्लता बनी रहेगी। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। आपके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें।
आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। आज का उपाय, आज अब गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।